मध्य प्रदेश में आज गरीब परिवारों के लिए अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत अन्न उत्सव मनाते हुए खाद्यान्न पर्ची का वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में आज बड़वानी जिले भर में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके चलते जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित कर कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल सहित प्रशासनिक दल इसमें शामिल हुआ, जिसमें मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने मुख्य आतिथ्य में शहर की दुकानों पर पात्रता पर्चे का वितरण करवाया गया। साथ ही पात्र लोगों को खाद्यान्न भी वितरित किया गया। पूर्व में करीब 6000 हितग्राहियों के राशन कार्ड निरस्त करने की बात पर कलेक्टर ने कहा कि जिले में ऐसे 39000 कार्डधारी हैं जो अपात्र थे और खाद्यान्न ले रहे थे, उनके नाम काटे जा रहे हैं जो पात्र हैं और उनको राशन कार्ड नहीं थे। ऐसे परिवारों को पात्रता पर्ची जारी कर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। बड़वानी से अतुल कुमाऊत की रिपोर्ट। आज पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 37 लाख परिवारों को अन्न उत्सव के तहत में पात्रता पर्ची जारी करके उनको खाद्यान्न का वितरण कराया गया है। इसी कड़ी में बड़वानी जिले में हमारे माननीय मंत्री जी प्रेम सिंह पटेल जी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ और पूरे जिले में जितनी दुकानें हैं सभी दुकानों पर कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है। वहाँ पर सभी जो पात्र हितग्राही हैं उनको पात्रता पर्ची जारी की गई है और खाद्यान्न का वितरण किया गया है। 6000 लोग ऐसे थे जिनके राशन कार्ड निरस्त किए गए जो राशन नहीं ले रहे थे और बहुत से परिवार ऐसे संपन्न है उसके बाद राशन ले रहे हैं, सर इसको लेकर कोई कार्रवाई की जाएगी? ये वो वाले लोग नहीं है जो आप बता रहे हो, ये ऐसे लोग हैं जिनका बीपीएल में सूची में नाम जोड़ा गया था पिछले 1-2 वर्ष से और उनकी पात्रता पर्ची जारी नहीं हो रही थी। ऐसे सभी पात्र परिवारों की पात्रता पर्ची जारी कराई गई है और उनको खाद्यान्न का वितरण कराया गया है। ऐसे जो लोग जिनको जो किसी कारण से अपात्र थे या खाद्यान्न नहीं ले रहे थे, ऐसे 39000 परिवारों के नाम जो है पहले से जो राशन कार्ड बने हुए थे उनके नाम काटे जा रहे हैं। ऐसे लोग और भी यदि आते हैं कोई अपात्र टाइप के लोग तो उनके नाम काटे जाएंगे और जो पात्र लोग छूटे हुए हैं उनके नाम जोड़े भी जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।